गाइस रेडी हो चुका हूँ, देख लो पूरा एकदम रेडी हो गया हूँ। और दोस्त आए के बैठे दही खा रहा है। हेलो गाइस, सबसे भी कैसे हो, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैंने जकाल जैसे बोला था ब्लॉग में कि मैं आज सुबह निकल के जा रहा हूँ आरटीओ ऑफिस का खड़गपुर, क्योंकि मेरे यहाँ घर से कम 100 किलोमीटर दूरी पे है, 90-100 ऐसे हो जाता है जाके। तो आज फाइनली जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि मेरा जो पहला एग्ज़ाम था आरटीओ में, क्योंकि मैं ड्राइविंग लाइसेंस बना रहा था, तो उसी के चलते मैं जा रहा हूँ आज। आज मेरा लास्ट है, मुझे ड्राइव टेस्ट देना पड़ेगा, बट अभी मैं ड्राइव टेस्ट नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा ड्राइव टेस्ट का डेट था 8 तारीख को, तो मैंने वहाँ पर मना करके 3 तारीख को डेट किया है मैंने, क्योंकि मुझे बाहर जाना है। तो इसलिए मैं पैसा दे के कुछ फॉर्मेलिटी है जो पूरा करके सीधा निकल जाऊँगा यहाँ से, और जा रहा हूँ सीधा दोस्त को लेकर जा रहा हूँ। दोस्त को भी फ़ोन किया था, वो निकल कर बोला जल्दी नहीं है, क्योंकि ऐसे भी ठंड पड़ रहा है, बाय बाइक चला के जाना पड़ेगा। तो मैं ऐसे फ्रेशर्स होके जल्दी उठा नहीं था, क्योंकि मम्मी ने बोला था 6 बजे 6 बजे उठने के लिए, तो मैं ऐसे ही 7:30 बजे उठा हूँ और फ्रेशर्स होके रेडी हुआ हूँ अभी तक, मतलब ऐसे ही रेडी हुआ हूँ और कुछ नहीं हुआ। अभी जाके खाना खाऊंगा, खाना खा के सीधा निकलूँगा। ड्रेस वगैरह पहनना है, ड्रेस मम्मी ने निकल के यहाँ पर रखा है, देखो यहाँ पर रखा है ड्रेस वगैरह निकल के, तो ड्रेस वगैरह ही पहनना है मुझे, निकलना है, दोस्त को फ़ोन करना है, क्योंकि सब कुछ लेके जाना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वहाँ पर लास्ट डेट है मेरा। अगर देखते हैं, अगर होता है तो मैं मामा के घर जाना पड़ेगा कि नहीं पता नहीं मुझे, पापा फोन करे अगर जाएंगे तो सही है, नहीं तो पता नहीं मुझे क्या करना पड़ेगा। तो गाइस पहले मैं खाना वगैरह खा लेता हूँ। गाइस खाना वगैरह कंप्लीट कर लिया मैंने, जो भी खाना था सुबह का मेरा नाश्ता मुरमुरा और जो मिक्सर है, ऐसे ही खाना खाता हूँ सुबह का, जो रहता है मैं छोटा काम थोड़ा बहुत खाता हूँ। ऐसे तो जल्दी नींद से उठता नहीं हूँ, क्योंकि अभी उठा नहीं नींद से, और आज थोड़ा काम से तो जल्दी उठ लिया था, और अभी जाकर रेडी होना है, फटाफट से रेडी होना है। दोस्त को भी बोल दिया फोन करके, वो भी रेडी होकर आ रहा है, तो फटाफट से नहीं निकल के रेडी होना है, क्योंकि जाना भी है, बहुत दूर रास्ता है, तो जल्दी जाएंगे, काम खत्म करके सीधा आ जाएंगे घर। फाइनली गाइस रेडी हो चुका हूँ, और जाके अभी बूट वगैरह पहनना है, पूरा रेडी हो चुका हूँ, अभी निकल रहा हूँ जल्दी फटाफट से, क्योंकि ऐसे भी टाइम निकलेगा, 8:30 बजे निकलेगा, बात था 9 बजने जा रहा है, तो फटाफट से रेडी होकर निकलता जा रहा हूँ। पूरा आके यहाँ पे रुके हुए हैं, क्योंकि भाई पीछे बड़ा पूरा एकदम दर्द कर चुका है, गाड़ी ड्राइव करो तब से, और करीबन पहुँचने में और करीबन कितना 8-10 किलोमीटर बाकी है और भी, तो जाके सीधा यहाँ पे जो भी काम है काम वगैरह कर लेंगे और मामा के घर जाएंगे। सोच रहा हूँ फ़ोन करने के लिए, वहाँ पे खाना वाना खाएंगे, तो वहाँ के थोड़ा रेस्ट लेके सीधा निकलेंगे घर घर के लिए, पर देखते हैं कितना तक पहुँचते हैं। भाई ये रास्ते पे आए हैं, ये कंपनी का रास्ता है, पहले मैंने दिखाया था, ये वाला प्राइवेट रास्ता है, प्राइवेट सेक्टर का रास्ता है, मतलब यहाँ पर जितना भी कंपनी है सब कुछ यहाँ पर ही बैठा, जैसे ये प्राइवेट सेक्टर है। इसकी इधर से जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट होगा, और ये दोस्त को ले गया था जो पहले रहता है, अभी यहाँ पे थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि ऐसे भी टाइम तो ज़्यादा हुआ नहीं है, क्योंकि 60-70 पे स्पीड पे आए थे गाड़ी में, क्योंकि जल्दी पहुँच रहा था, तो देखा तो टाइम भी नहीं हुआ है। अभी वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत जो भी काम है, फ़ोन वोन करना है, जो भी फॉर्मेलिटी है पूरा वगैरह करके सीधा वहाँ से मामा के घर में जाऊँगा सीधा यहाँ से, क्योंकि वहाँ से दिखाऊँगा मैं मामा के घर, दिखाऊँगा कैसा है क्या है। ठीक है, आरटीओ ऑफिस के अंदर है और यहाँ पर कैमरा करने अलाउ नहीं है, बट कर रहा हूँ मैं तब भी, और अभी जस्ट मेरा फॉर्मेलिटी पूरा हो रहा है, और जाके पैसों से पेमेंट कर दिया मैंने जस्ट अभी, और देना है जाके कुछ भी फाइल वगैरह साइन वगैरह बायोमेट्रिक, मतलब जो भी है फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा है, चल रहा है वर्क वगैरह सब कुछ। देखते जितना जल्दी ख़त्म हो जाए उतना जल्दी मामा के घर जा पाएंगे, बट वही चल रहा है, यहाँ पर तो कैमरा करने का अलाउ नहीं है, देखेगा तो गाली देगा, इसलिए तब भी छुप के मैं बना रहा हूँ वीडियो। मामा के घर में जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ, और आके फ्रेश होके खाना वाना भी खा लिया है, अभी ड्रेस वेस चेंज करके थोड़ा रेस्ट लूँगा, नहा लूँगा फिर से, उसके बाद फ्रेश व्रेस होकर नाच लूँगा। अभी पीछे गाना बज रहा है, क्योंकि पूजा वगैरह है, तो हमारे इधर तो मतलब दिवाली का पूजा वगैरह है, तो इसलिए गाना वगैरह बज रहा है, लोग को थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आएगा बैकग्राउंड में, क्या पता नहीं आवाज़ वगैरह आ रहा है, बट ये अभी आपको रूम टूर में दिखा रहा हूँ, मतलब मामा के घर में नीचे पहले किराएदार रहते थे, बट अभी चले गए हैं, इसलिए वही आपको दिखाता हूँ कैसा क्या सिस्टम सब कुछ, ऊपर तो घर भी मैं दिखा दूंगा। ठीक है, पहले बना था घर ये वाला नीचे रूम का, नीचे रूम में यहाँ पे सब कुछ है, नीचे रूम में ये सब, इधर किचन है और ये बाथरूम है, और ये गैरेज है उस साइड में, यहाँ पे तो रहने का जगह है, ये भी, ये तो डाइनिंग रूम है, और ये भी रूम है एक, यहाँ पे टीवी वगैरह देखने थे, ये पहले था बट अभी किराएदार यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए, अभी अभी ऊपर तो शिफ्ट हुए, या अभी इसको पेंट वेंट करके सब कुछ फिर से नया किराएदार रखेंगे यहाँ पे, और ऊपर भी चलेंगे, आपको दिखाता हूँ ऊपर कैसे कमरा, ये तो नॉर्मली कुछ नहीं है अभी, बट ऊपर सब कुछ सजा कर रखा है, ऊपर एकदम ज़बरदस्त सजा कर रखा है, ऊपर आपको दिखाता हूँ जाके सब कुछ। यहाँ पे भाई हारमोनियम सीखता है, गाना वगैरह बजाता है ये सब। अभी गाइस ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर दिखाता हूँ, गाना बहुत ज़ोर से बज रहा है, बट बैकग्राउंड में देखता हूँ क्या होगा, इरेज वगैरह कर पाए तो सही है, नहीं तो नहीं। अभी
ऊपर भाई पढ़ाई करता है यहाँ पे, दो भाई बैठ के, मामा का लड़का, उसका तो अंदर दिखाऊंगा, बट यहाँ पे भाई पढ़ाई करता है बैठ के यहाँ पे ऊपर। ये वाला रूम है, छोटा वाला रूम, यहाँ पे तो बाहर है, बाहर पूरा छाद है ऊपर और नहीं है कुछ। और ये वाला रूम पे भाई पढ़ाई करता है, इसका एक कंप्यूटर है यहाँ पे, उसका टीचर बैठता है वहाँ पे, वो बैठता है पढ़ाई वगैरह करता है इस पर। और इस साइड से देखो जो गाना बज रहा था, बोला था ना, देखो इस साइड में यहाँ पे पूजा वगैरह होगा, कल दिवाली है तो कलकने पे पूजा होगा, इसलिए गाना वगैरह बजा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अभी लाइट वाइट तो सजाया नहीं ऐसे, कल सजेंगे। और ये बाहर में बोला छाद है ना, ये ऐसा ये छाद है बाहर ऊपर, यहाँ से टोटल पूरा व्यू दिखा था मैं आपको। उस साइड में गैस जो है ना, वो चिल्ड्रेन हॉस्पिटल है, ठीक है, मतलब शिशु हॉस्पिटल बोलते हैं हमारे यहाँ पे। और ये दो साइड में मामा के घर है, दोनों साइड में मामा के घर है। इस साइड में व्यू देखो कितना मस्त लग रहा है, यहाँ पे ड्रोन शॉट इतना खतरनाक लगेगा ना, ड्रोन शॉट अभी ड्रोन जब लूँगा, ड्रोन में लेने वाला हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 महीने के अंदर ड्रोन ले लूँगा, उसका तो ड्रोन शॉट भी डालेंगे इसमें। ये जो डंपियर है ना, ये डंपियर जो यहाँ पे है ना, वो जगह पे बस स्टैंड वगैरह बनने वाला है, इसलिए मामा ने यहाँ पे घर बनाया है। ये मेन स्ट्रीट हो जाएगा, डंपियर को ख़त्म करेंगे यहाँ पे पूरा एकदम, उसका तो स्टैंड वगैरह बनेगा। कितना मस्त व्यू है देखो, पूरा एकदम ऊपर। इतना मस्त व्यू है यहाँ पे, क्या मतलब जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ, ऐसे भी तो बाइक लेके आया हूँ आज, मामा पूछ रहे थे किस मम्मी पापा को क्यों लेके आए नहीं आए, मतलब ऐसे काम पे लेके आए थे तो ऐसे आ गया। बट इतना मस्त जगह है यहाँ पे, मतलब घूमने के लिए जगह देखो, उस साइड में पूरा एकदम व्यू है, इतना मस्त लगता है। मैं इसे आके 10-15 दिन ऐसे रह जाता हूँ यहाँ पे, और खाने का पीने का कोई टेंशन नहीं है, बिंदास रहो, जाओ सो भाई, खेलो, जो भी करने करो यहाँ पे, सब कुछ है, नेट वगैरह कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हम लोग जब पानी होगा ना, यहाँ पे हम लोग बैडमिंटन खेलते थे उस टाइम पे, अभी भी ठंडी का मौसम आ गया तो खेलेंगे, अभी आ जाएगा, बट अब मैं तो नहीं रहूँगा ऐसे भी, जब भी आते थे खेलते थे यहाँ पे। और नीचे का रूम आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे सोफ़ा है, टीवी वगैरह देखते बैठ के, यहाँ पे सोफ़ा है और यहाँ पे बैठ के मस्ती वगैरह चलता है, टीवी वगैरह देखते हैं यहाँ पे। और पढ़ाई वगैरह रूम में होता है, ये डाइनिंग रूम है यहाँ पे, यहाँ पे डाइनिंग रूम है, और गीजर वगैरह नया लगा है सब। जब भी मैं आता हूँ इस रूम पे होल्ड करता हूँ, और ये रूम है हम लोग के लिए, मतलब जो भी गेस्ट वगैरह आ गए रूम यहाँ पे सोते हैं हम लोग, मौज मस्ती करते हैं। अभी दोस्त आके सो गया, अभी इसको नहा के अभी रेस्ट लेंगे हम भी, क्योंकि मैं अभी आके मतलब बहुत टाइट हो गया हूँ, पीछे से ये वाला जो पीछे से है ना, ये वाला पीछे से पूरा दर्द करने लग गया है एकदम, इतना है, इसलिए अभी पूरा नहा धो के फ्रेश हो के रेस्ट लेके मैं सोऊंगा जाके अभी, क्योंकि इतना इतना सा परेशान लग रहा है भाई, क्या बोलूँ, टाइट नींद लग रहा है पूरा, आँख देखो पूरा लाल लाल हो चुका है इधर, इसलिए बहुत अच्छा नहीं लग रहा है इधर पूरा। और मैं अंदर ही दिखाता हूँ, किचन वगैरह खाना वगैरह बन रहा है, वो मामा मामी का रूम है, वहाँ पे मौसी वगैरह रहते हैं, और ये बाथरूम है, और इस साइड में किचन है, ये सब सजा के रखा है पूरा एकदम। यहाँ पे इस साइड में एक बेलकोनी भी है, मस्त व्यू लेने के लिए बेलकोनी दिया है वहाँ पे, हम लोग बैठे के यहाँ पे बेलकोनी में बैठते हैं, देखते कौन आता है जाता है, ऐसे करते हैं जब आता है। तो रेडी होंगे, उसके बाद खाना पीना खा के सीधा निकलना है, दोपहर को निकलना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो ठंड भी लगने वाला है, ऐसे कुछ लेके नहीं आए थे, ऐसे ड्रेस पहन के आए थे, तो जाके सीधा निकलना है घर पे जाकर जो भी काम वगैरह करना है, थोड़ा जाके वहाँ पे गेम वगैरह भी खेलना है, ब्लॉग भी एडिटिंग करना है कुछ जाके, उसके बाद वहाँ पे मिलता है, अभी नहा धोना थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ। गाइस रेडी हो चुका हूँ, देख लो पूरा एकदम रेडी हो गया हूँ, और दोस्त आए बैठे दही खा रहा है, खट्टा दही खा रहा है, क्योंकि खाने के बाद खाना चाहिए, तो अभी जस्ट रेडी होकर निकल रहा हूँ, क्योंकि टाइम भी ऐसा हो गया, करीबन 3-3:30 बजने जा रहा है, तो अभी निकल के जा रहा हूँ फटाफट से, घर भी पहुँचना है 1.5-2 घंटे ऐसे लगेगा टाइम, वहाँ पे जाकर सब दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइक वगैरह बज रहा है तो कल पूजा है, इसलिए शूट वगैरह कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अभी कैसा कि यहाँ पे बैठे हुए और रेस्ट ले रहे, क्योंकि पीछे से इतना थकान लग रहा है कि नींद लग रहा है, गाड़ी चलते रहते हैं, और भी 50 किलोमीटर तक बाकी है मतलब घर पहुँचने में, वहाँ घर से निकल के आ गए थे बहुत देर से, और गाड़ी बहुत स्पीड में भी चल रहा है, तो जल्दी लग गया टाइम, मतलब पहुँच भी गए, 4 भी बज रहे हैं ऐसे, करीबन आधा घंटा ऐसा लगा, जाने का टाइम ज़्यादा लगा था, बस आने का टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा है, और 50 किलोमीटर करीबन बाकी है, उसके बाद चलेंगे, और बैठे थोड़ा रेस्ट ले रहे। थोड़ी देर पहले ही पहुँचा हूँ यहाँ पे घर पे आके, और उसका घर मतलब मेरा दोस्त को भी घर पे छोड़ दिया था, तो घर जाके थोड़ा देर बाद आया है फ्रेश होकर, हमारे पे गेम भी खेलेंगे, तो बस यही था ब्लॉग, मैं ज़्यादा तक और नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरा दोनों आँखें चल रहा है पूरा, गाड़ी चला के आया हूँ तो इतना था ट्रैवल था, कम से कम पकड़ लो जाने में 100 आने में 100, तो 200 किलोमीटर का ट्रैवल हो गया, तो और मन नहीं कर रहा है और ये करने के लिए,
मुझे अभी जाके फ्रेश वेश होके रेडी, मतलब रेडी बोला हूँ, फ्रेश वेश होके रेस्ट लेना है, मतलब ये ड्रेस चेंज करके नया ड्रेस पहनूंगा, उसके बाद जाके सोना है मुझे। और क्योंकि रात को गेम टाइम नहीं खेलूंगा, ब्लॉग वगैरह एडिटिंग करके अपलोड करना है मुझे। और तो गाइस यही था, और ब्लॉग गाइस अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर कर अपने दोस्तों को दिखा देना। तो गाइस मिलता है अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय। My hand's steady, I feel ready, but my leg's heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be